पीवीआर और आईनॉक्स दोनों में से बेटर कौन सा? किस में बैठकर देखने से मूवी का एक्सपीरियंस इंटू 100 हो जाता है? दोनों ही अपने आप में इंडिया की सबसे बड़ी मूवी हॉल चेन्स हैं। नंबर की बात करें तो पीवीआर की 871 स्क्रीन्स हैं 73 सिटीज़ में, वहीं आईनॉक्स की 675 स्क्रीन्स हैं 72 सिटीज़ में। लेकिन टिकट किसका खरीदा जाए जिसका सस्ता मिल जाए? खैर ये तो हो गया बेसिक सा आंसर, थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। एक थिएटर में काफ़ी सारी चीज़ें मैटर करती हैं, जैसे कि स्क्रीन की क्वालिटी, साउंड सिस्टम, उसकी सीट्स कैसी हैं। तो चलो एक एक करके सबको कंपेयर कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, ये वीडियो के लिए मैंने 100 से ज़्यादा लोगों के रिव्यूज़ पढ़े हैं, प्लस प्रॉपर रिसर्च भी की है, तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। मूवी हॉल में एक स्क्रीन का साइज़ और उसकी क्वालिटी दोनों ही मैटर बहुत करती हैं। पीवीआर की स्क्रीन ज़्यादा बड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू आईनॉक्स, एंड स्क्रीन की क्वालिटी भी थोड़ा ज़्यादा अच्छी। फूड आईनॉक्स का सस्ता होता है पीवीआर के कंपैरिजन में, लेकिन मैकडोनल्ड का उससे भी ज़्यादा सस्ता है, और फ्री में वो लोग कैचअप भी दे देते हैं। इंटरवल का टाइम भी थोड़ा ज़्यादा दे देते हैं आईनॉक्स में, फिर काफ़ी सारे काम भी तो करने पड़ते हैं उसमें। साउंड सिस्टम पीवीआर का ज़्यादा अच्छा होता है आईनॉक्स से, और पता नहीं इतना ज़्यादा लाउड क्यों कर देते हैं आईनॉक्स में कभी कभी। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट्स करके बताओ। और अभी तो सुनने में आ रहा है दोनों का मर्जर भी होने वाला है, खैर इस बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। ज़्यादातर आईनॉक्स के प्राइसेस ज़्यादा सस्ते होते हैं पीवीआर के बदले, और अगर बजट कम है तो कैलाश टॉकीज भी बुरी नहीं है। सीट्स पीवीआर की आईनॉक्स से ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं, और लेग स्पेस भी वो थोड़ा ज़्यादा देते हैं उसमें। लेकिन एक हॉल में तो काफ़ी सारी सीट्स होती हैं, और सबसे ज़्यादा अच्छी सीट कौन सी है मूवी देखने के लिए? अब ये पता करना चाहते हो तो फिर ये वाली वीडियो देख लो।